उधर गोहाना और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 28 महीने बाद एक बार फिर से गोहाना जंक्शन पर पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। दोबारा से पैसेंजर ट्रेन चलने से आम रेल यात्री काफी खुश हैं, क्योंकि गोहाना से रोहतक, पानीपत, जींद और सोनीपत तक ट्रेन जाती हैं। इससे रोजाना रेलवे को भी ट्रेनें बंद होने के कारण रोजाना लाखों रुपए का घाटा हो रहा था। रेलवे ने कोरोना काल के दौरान गोहाना आने जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन्स को बंद कर दिया था। वहीं अब ट्रेनें शुरू होने से रेलवे को अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है। बहुत अच्छा हो गया, लोगों की परेशानी कम हो गई, समय की बचत हो गई, पैसे की बचत हो गई, और यह है कि रेल को कुछ ट्रैफिक मिल गया, यहाँ रौनक भी होने लगी, नहीं तो स्टेशन वीरान ही हो गया। ट्रेन द्वारा शुरू होने से हम लोगों को बहुत फायदा होगा। रेलवे पैसेंजर बस में तंग होते थे, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। सारा काम रुका पड़ा था जी, पब्लिक परेशान थी, और इसकी वजह से आप सारी सुविधाएँ मिलेगी। सबके काम बिल्कुल ठप पड़े थे यहाँ पे, जितने यहाँ पे क्या कहते हैं स्टेशन के अंदर दुकानें थी, अब सबको रियायत मिलेगी, सबका रोजगार मिला।